नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय के मैनपुरी जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। रमाकांत के मैनपुरी पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी बॉर्डर पर पहुंचने पर फूलमालाओं से स्वागत किया। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के नामित द्वितीय सदस्य राजेश सिंह सेंगर भी उनके साथ पहुंचा और उनके भी फूलमालाओं से स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के काफिले में शामिल होकर मैनपुरी पहुंचे, जहां एक दर्जन जगह उनका सम्मान हुआ। उपाध्याय मैनपुरी के समाजसेवी और व्यापारी अवधेश दीक्षित के प्रतिष्ठान रंजना बुक सेंटर पंजाबी कॉलोनी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रंजना बुक सेंटर पर जलपान करने के पश्चात रमाकांत आगरा रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दीनदयाल उपाध्याय स्कूल पर उनके आगमन पर सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं ने मुकुट पहनाकर और पटके से सम्मानित किया। इस अवसर पर राजा सोलंकी ने चांदी से निर्मित गौ माता भेंट की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ माता के प्रेम के कारण प्रदेश में गौ माता की सेवा के लिए पर्याप्त धन खर्च किया जा रहा है, लेकिन समाज में कुछ लोग इस पैसे का बंदर बांट करके धन अर्जित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गायों की दुर्दशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग में 3 सदस्यों को नामित किया। उन्होंने कहा कि तीनों सदस्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उसके प्रति संकल्पित हैं और जल्द एक योजना बनाकर परिवर्तन का प्रयास करेंगे। जहां गौशालाओं में कोई लापरवाही उसे संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, गाय हमारी माता है और हमारे जीवन उनके द्वारा प्रदान की हुई हर चीज उपयोगी है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनती है, जिससे किसानों के खेतों में फसल के लिए सहायक है। दूध दही तो देश के हर नागरिक के लिए उपयोगी है। इतना सब मिलने के बाद भी लोग गाय माता की दुर्दशा किए हुए हैं। लोग दूध निकालने के बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। हमें समझना चाहिए कि गौ माता हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। इस अवसर पर समाजसेवी किशन दुबे आदि मौजूद रहे। उपयोग करना समझ लें तो वो मरने के बाद भी जैसे कहा जाता है कि जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का, तो ऐसी गौ माता हमारी मरते मरते भी हमको खाद देती है। खाद के और भी तमाम दुनिया के तरीके हैं, सींग खाद बनती है, लेकिन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं, हमारा गौ सेवा आयोग भी तैयार है, हमारे पास तंत्र भी है गौ सेवा संघ का, उस तंत्र से भी हम सिखाएंगे। हम दोनों तरफ से काम करना चाहते हैं। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैनपुरी में कितने मैनपुरी में गौ सेवा संघ का एक गौ सेवा गतिविधि चलती है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। आयोग से तो ये शासन का ये जिम्मेदारी है, तो अभी हम 3 उत्तर प्रदेश में 3 सदस्य हैं, एक हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, तो हम लोग शासन से नामित हुए हैं, तो हम लोग इस काम को देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छा कुसमरा में और एक मैनपुरी गौशाला में 2 जगह घटनाएं हुई और उनकी उसके बाद में सीडीओ ने भी कभी उन्होंने कहा, उनकी जानकारी भी दी, लेकिन कोई उसके खिलाफ ना तो कोई गौ सेवक आया। और अभी एक गौशाला मैनपुरी में एक तो ना तो उनका अंतिम संस्कार किया गया सही से और ना किसी गौ सेवक ने अभी तक कोई आवाज उठाई। देखिए साहब, अभी हम लोग नए नए नामित हुए हैं, हमारी जानकारी में ये विषय नहीं है। आगे जहाँ से भी विषय आ रहे हैं, हम वहाँ के तंत्र को, प्रशासनिक जो ढांचा है उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास राया की घटना आई, हमने तुरंत वहाँ के सीबीओ से बात की, उनको पूछा, उनको कहा कि आप बताइए, तो उन्होंने तुरंत वहाँ की जानकारी करके बोले, सर ये 2 महीने पहले का विषय। ऐसे ही बहुत सारे विषय, कुछ लोग इसके लिए ही घूमते रहते हैं कि पुराने पुराने कहीं विषय उठाकर और सरकार को बदनाम करने का, तंत्र को बदनाम करने का काम भी वो करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको बदनाम नहीं करना है बल्कि काम को ठीक कराना है। तो ठीक कराने के लिए हमको भी उसमें हमारी भी सहयोग की जरूरत है। हम सब समाज से अपील करते हैं कि इस जिले के सभी लोग जो गाय के प्रति जो माता की श्रद्धा है वो श्रद्धा बनाएं और एक भी गौ माता खूंटे से बाहर नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ गौवंश है और 2 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख 59 लाख ये लगभग किसान है। अगर आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।